हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपके DD5 के एक और नए एपिसोड में। तो यार लास्ट वाले एपिसोड में गाइस आप लोग को याद होगा कि यार अपन लोग गए थे गाइस दुबई किंग के आइलैंड पे, क्योंकि गाइस उसने ना गाइस वहां पे रेस का ना इतना तगड़ा इंतजाम कर रखा है ना, मतलब गाइस आप लोग ने देखा ही था कि उसने कितनी सारी रेसिंग कार्स को वहां पर लगा रखा था और वहां पे गाइस कुछ कंटेनर्स भी रखे हुए थे जिसके अंदर गाइस और भी ज्यादा रेसिंग कार्स थी जो कि उसने बाहर नहीं निकाली थी। और गाइस मुझे अभी भी ये पता चला है कि जो रेस है ना वो गाइस दुबई किंग के आइलैंड पे नहीं होने वाली है, वो ना कहीं और रेसिंग ट्रैक पर होगी। जो प्रॉपर एक रेसिंग ट्रैक होता है ना गाइस वहां पर वो रेस होने वाली। पहले मुझे लग रहा था कि वो रेस दुबई किंग अपने आइलैंड पे ही करवाने वाला है, क्योंकि तुम लोग ने देखा है ना वो जो उसका जो हाईवे है भाई इतना तगड़ा है ना भाई, और पूरा का पूरा खाली है क्योंकि ना उसने प्राइवेट पर बनवा रखा है। तो पहले मुझे लग रहा था वहीं पर रेस होगी, बट वहां पर नहीं होगी। तो देखते यार गाइस अपन लोग भी शायद वहां पर चलेंगे जब यार वो रेस होने वाली है। और वो रेस को होने में ना गाइस ज्यादा दिन नहीं बचे, कुछ ही दिनों में ना वो रेस होने वाली है। बाकी गाइस आप लोग को ये एक चीज याद होगी कि जो वेपन डीलर है ना जिससे गाइस हम लोग ने बात करी थी, मतलब जिसको ट्रेवर ने ढूंढा था, तो उस बंदे से गाइस हम लोग ने ना ये बात करी थी कि जो एक और डीलर है जो कि यार बाहर का है, ठीक है, जिससे वो यार वेपन की डिलीवरी वगैरह लेता है। तो वो बंदा ना मेरे को वेपन दिखाने वाला था रात को, पर गाइस उसका ना मेरे पास कॉल आया था और वो बंदा गाइस मुझे बता रहा था ना कि उसको ना फिलहाल देखो रात में ना कोई और जरूरी काम है, मतलब उसको ना कोई और सिटी में जाना है। तो वो गाइस मुझे अभी ना थोड़ी बहुत देर में गाइस वेपन वगैरह दिखाने वाला है। तो अगर गाइस उसके पास ना हाईटेक वेपन से भी ज्यादा खतरनाक वेपन अगर अपने को मिल जाता है तो गाइस काफी बढ़िया चीज हो जाएगी। मतलब अपना ना देखो आधी से ज्यादा दिक्कत है तो ना भाई वैसी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और देखते गाइस उसका ना कॉल मेरे पास कितनी देर में आता है। बाकी गाइस फिलहाल देखो अभी मैं ना यहाँ फार्म हाउस पे आ रखा था क्योंकि ट्रेवर ने गाइस मुझे ना यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि उसे मुझे ना गाइस एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। आप लोग को याद है देखो जो पीटर का बेटा है वो तो अभी तक देखो हमारे पास किडनैप पड़ा हुआ है, मतलब अपना जो हाईटेक बंकर है वहां पर है। और देखो पीटर ने ना गाइस अपने हाईटेक बंकर में अटैक करवाया था, मेरे ऊपर अटैक करवाया था, प्रेजेंट के ऊपर भी अटैक करवाया था। और एक चीज और गाइस मुझे पता चले कि जो ट्रेवर है गाइस उसके ऊपर भी ना पीटर के बंदों ने गाइस अटैक करवाया था जब ना ट्रेवर गाइस सैंडी जोस में अपने ट्रेलर वाले घर पर था, ठीक है। अब देखो यार पीटर ना सबके ऊपर गाइस अटैक करवा रहा है, तो गाइस अपने को ना थोड़ा सा देखो सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वो जो बंदा है ना उसकी आर्मी गाइस पूरे लॉस सैंटोस में फैली हुई है। तो ट्रेवर भी थोड़ी देर पहले यहीं पे था, बाकी अभी तो फिलहाल वो यहां से जा चुका है क्योंकि वो ना गाइस काफी ज्यादा गुस्से में था। मैंने उसे बोल दिया देख ऐसा कुछ भी सीन होता है ना जैसे तुझे पीटर के बंदे कहीं पर मिलते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन तेरे को हाथ लगती है तो ना तू मेरे को सीधा सीधा कॉल कर देना। बाकी गाइस एक चीज तुम लोगों ने नोटिस करी वो देखो मैं गाइस कैमरा खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो वहां पे गाइस प्रेजिडेंट की जो बिल्डिंग है गाइस वो मुझे यहाँ से नजर आ रही, जिसमें मैं अभी तक गया ही नहीं हूँ यार, मैंने खाली दूर से देखी है। बाकी उसमें भी गाइस हम लोग चलेंगे पर अभी नहीं गाइस, रुक के चलेंगे कि मुझे ना गाइस यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और एक चीज और गाइस मुझे ना एक चीज और पता चली है, आप लोग को याद होगा जो अपन लोग एक मैंशन खरीदने वाले थे ना जो मतलब हम लोग देख कर आए थे, तो वो तो देखो आप लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए मुझे पता है देखो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी डीलर से मैंने बातचीत तो कर ली थी, तो उसका ना मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था और उसने ना मुझे एक मैंशन के बारे में बताया है। तो उसको भी गाइस अभी ना मुझे चलकर देखना है, पर उसको देखने से पहले ना गाइस मुझे सबसे पहले ना वेपन डीलर के पास जाना है। तो देखते गाइस वेट करते हैं थोड़ी बहुत देर, जब भी उसका कॉल आता है तो उसके बाद गाइस हम लोग चलेंगे सीधा वहीं पे। ओके गाइस यार तो यहाँ पे मुझे आधा घंटा इंतजार करने के बाद गाइस फाइनली ना उस बंदे का देखो कॉल मेरे पास आ चुका है। और उस बंदे ने ना गाइस मेरे को ना पता नहीं क्यों यार बीच की साइड बुलाया मिलने के लिए। भाई बीच की साइड मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई वो ना मुझे देखो वेपन वगैरह दिखाने वाला है पर बीच की साइड उसने मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि वहां पे तो देखो इतनी ज्यादा पब्लिक रहती है। यार पता नहीं ना, हो सकता है देखो वो वहां पर खड़ा हो फिर उसके साथ वो ना मुझे कहीं पर लेकर जाए, ऐसा भी गाइस हो सकता है। तो कोई नहीं यार एक काम करते हैं अपन लोग बीच की साइड चलते हैं। यार मैंने देखो ये जी वैगन लेकर गलती आ गया हूँ क्योंकि इससे ना गाइस मुझे अभी बीच की तरफ जाने में ना भाई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अपनी जो जेस्को की स्पीड है ना आप लोगों ने गाइस पिछले वीडियो में देखी होगी कि उसकी स्पीड ना गाइस 430 है मैक्स स्पीड, ठीक है। तो गाइस 400 स्पीड गाइस बहुत ज्यादा होती है पर इसकी स्पीड ना गाइस मुश्किल से मुझे लगता है 200 भी नहीं होगी, मतलब 200 के आसपास ही होगी। बाकी चलो कोई नहीं यार अपने को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा जाने में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं उसको बोल दूंगा यार भाई मैं काफ़ी ज़्यादा दूर था सिटी की साइड से, क्योंकि उसको तो यही लग रहा होगा कि मैं सिटी की तरफ ही रहता हूँ। बाकी ये देखो ये उसकी शॉप है जिस बंदे से हम लोग को उसके बारे में पता चला था। बाकी अभी फिलहाल अपने को इस बंदे से तो फिलहाल अभी देखो कोई काम है नहीं, क्योंकि अपन लोग की गाइस बात ना डायरेक्टली मेन बंदे से हो चुकी है जिसके पास से गाइस ये बंदा ना सामान वगैरह मंगवाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है। बाकी अपनी कार भी की स्पीड भी यार काफ़ी सही चल रही है यार, 200 तो आराम से टच कर जा रही है भाई। अपन लोग मुझे लगता है कि जिस चीज स्पीड से मैं सोच रहा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट पहुँचेंगे पर उतना भी लेट हम लोग नहीं पहुँचेंगे यार। तो एक काम करता हूँ गाइस मैं अपनी जी वैगन को भगाता हूँ और चलते हम लोग गाइस सीधा बीच की तरफ और देखते हैं भाई उसने मुझे वहाँ पे क्यों बुलाया मिलने के लिए। ओके गाइस यार तो मैं अपनी जी वैगन भगाते भगाते गाइस बीच की तरफ पहुँचने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं हम लोग फटाफट से ना यहाँ पे एक मिनट आराम से
मैं कार को अंदर ही लेकर चले जाऊँ क्या यार? वैसे एक तो ना अलाउड नहीं है यार ये कहाँ पे ना गाड़ी को ले जा रहा। एक काम करते कैसे, पीछे ना जो पार्किंग है ये वाली पार्किंग में फिलहाल मैं अपनी जी वैगन को लगा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक गई सुपर बाइक भी लगी हुई है, तो यहीं पे मैं साइड में लगा देता हूँ बहुत सी। अब गई मुझे ना यार उसको दोबारा से कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उसने मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो देखो बताई नहीं थी, उसने सिर्फ मेरे से बोला था कि मैं बीच की तरफ आ जाऊँ जल्दी से। एक काम करते हैं उसको ना फटाफट से कॉल करके भाई मैं पता करता हूँ कि वो आखिर है कहाँ पर। ओके गाइस यार, तो मेरी अभी भी उससे कॉल पे बातचीत तो हो चुकी है। और गाइस वो बंदा मुझे कह रहा है ना कि पहले तो गाइस वो ना फिलहाल देखो यहीं पर था, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वो फिलहाल देखो है कहाँ पर। तो वो बंदा ना गाइस यहाँ पे ना किसी बोट से नहीं आया, वो ना गाइस अपनी एक प्राइवेट यॉट लेकर आया है। तो मुझे गाइस ना अभी यॉट देखनी पड़ेगी यार, अपने को ना एक जेट स्की का भी इंतजाम करना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, यहाँ पे तो गाइस मुझे कोई यॉट नज़र आ नहीं रही है। वो मेरे से कह रहा था ना बीच के पास ही है वो। एक मिनट यार, बीच के पास गाइस यहाँ पे ना एक यॉट जैसी, यार मुझे तो कोई यॉट नज़र आ नहीं रही है पहली बात तो। एक मिनट भाई, हाँ यार यहाँ तो एक मिनट गाइस वहाँ पे ना एक यॉट है। मैं फटाफट से अपने फ़ोन का कैमरा निकालता हूँ। वो देखो गाइस जो ये कार्निवल है ना इसके पीछे की साइड, यार यहाँ से तो मैं खैर क्या ही जाऊँगा। एक काम करते गाइस हम लोग ना यहाँ पे तो अपने को यॉट मिलेगी नहीं, मतलब यॉट नहीं जेट्स की वगैरह। एक काम करते हैं कि अपनी कार में हम लोग बैठते हैं और थोड़ा सा ना आगे की साइड चलते हैं, क्योंकि वहाँ से ना मुझे देखो कोई ना कोई जो है जेट्स की वगैरह तो पक्का दिख ही जाएगी। एक मिनट यार भाई, कितनी दूर ऐसा लग रहा है मैंने अपनी गाड़ी को पार कर दिया। ओके गाइस यार, तो मैं वो वाली पार्किंग में आ चुका हूँ और मैं देखो गया उस साइड से था और मैं आया इस साइड से। तो एक काम करते हैं फटाफट से अपनी कार में बैठते हैं और कार की हालत देखो भाई, बीच की साइड आते हैं ना भाई इसमें इतनी धूल मिट्टी जमा हो चुकी है। गाइस को भी ना मुझे वॉश कराना है। एक मिनट भाई आराम से, यहाँ से हम लोग चलते हैं बहुत सही। और मुझे गाइस अभी जाना है उस साइड में, थोड़ा आगे की साइड, पहले कार्निवल की साइड चलते हैं और कार्निवल से ना आगे की तरफ हम लोग चले जाएंगे भाई बहुत सही। अपनी जी वैगन की स्पीड देख रहे हो भाई, यहाँ पे तो ऐसा कितनी तेज चल रही, पर एक्चुअली में गाइस ये तेज चल नहीं रही है, सिर्फ 100-150 की स्पीड आ रही है। एक मिनट, मैं ज़्यादा आगे ना निकल जाऊँ यार, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं, मेरे को थोड़ा सा गाइस आगे और जाना है और वहाँ से गाइस उसकी यॉट मेरे को दिख जाएगी। एक मिनट इसकी तो आ जा बेटा, लड़ेगा ना मुझसे, आ जा निकल, चश्मा उतार दिया और ये कोई पायलट लग रहा है गाइस मुझे, निकल। देखा ओ तेरी भाई, उस गाड़ी वाले ने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मैं गाइस जाने चुपचाप निकल लेता हूँ क्योंकि मेरी गलती नहीं है भाई, मैं इससे लड़ रहा था, उस गाड़ी वाले की गलती है। और एक मिनट यार, मैं रॉन्ग साइड आ गया हूँ और देखो वो रहे गाइस यॉट, तो फटाफट से ना हम लोग वहीं पर चलते हैं। और एक मिनट भाई, मेरे पास ये दोबारा से उस बंदे का कॉल क्यों आ रहा है? एक मिनट यार, अब क्या हो गया, इससे बात करते हैं। ओके गाइस यार, तो मेरी उस बंदे से यहाँ पे कॉल पे बातचीत हो चुकी है और वो मुझे बता रहा है कि उसकी जो यॉट है वो गाइस पीछे, आप लोग को याद है वहाँ पे एक जो है होटल है, तो उसके ना आसपास उसकी यॉट है। पर ये किसकी है भाई, हो सकता है किसी प्राइवेट बंदे की होगी। तो भाई मुझे पहले ही बता देता यार, इधर से उधर नचाने में लगे बेफालतू में। तो भाई एक काम करते गाइस, मैं ना अब रोड से तो खैर क्या ही जाऊँ, एक काम करते बीच पे गाइस हम लोग कार को घुमाते हैं। वैसे गाइस अलाउड नहीं है बीच पे कार ले जाना, पर भाई मैं तो लेकर जाऊँगा भाई, इतना भाई झाड़ कौन करेगा। रोड पे ले जाओ, फिर हाईवे पे भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और लॉस सेंटर्स के लोग तो यार आप लोग को पता ही है कैसे कैसे लोग रहते हैं। बाकी एक काम करता हूँ, अपनी कार की ना स्पीड थोड़ी सी कम कर लेते हैं अपन लोग। यार मेरे को गाइस किसी ना बोट का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। ओके गाइस यार, तुम्हें अपनी जी वैगन भगाते भगाते गाइस एकदम आगे की तरफ आ चुका हूँ, क्योंकि उस साइड ना गाइस कोई भी मुझे यहाँ पे जेट्स की वगैरह तो नज़र आई नहीं है। जो ये होटल है ना, पैराडाइज क्लब है मतलब, जो तो गाइस मैं ना यहीं पे एक काम करते ना, अंदर से तो मैं खैर क्या ही जाऊँ, उसकी पार्किंग में लगाते हैं हम लोग ना, यहाँ से शॉर्टकट मार लेते हैं बहुत सही, क्योंकि जी वैगन है यार अपने पास, कोई सुपर कार नहीं कि ऐसी भाई जगहों पर चले ना। एक मिनट, यहाँ पे मुझे कुछ जेट्स की वगैरह तो नज़र आ रही है। एक मिनट यार, ये तो गाइस दूसरी वाले, और एक मिनट में किसी के ऊपर ना चढ़ा दूँ। और वो देखो मुझे यहाँ पे जेट की तो नज़र आ रही, पर यॉट ओके वो रही गाइस सामने यॉट। बाकी अपनी कार की तुम लोग हालत चेक करो, देख रहे हो कितनी ज़्यादा भाई धूल लगी पड़ी है। काम करते हैं इसी को हम लोग उठाते हैं, एक मिनट बहुत सही। और वो वाले गाइस वो यॉट है जिसमें गाइस अपने को जाना है, और मुझे गाइस उस यॉट पर ना पीछे एक हेलीकॉप्टर भी नज़र आ रहा है, पक्का देखो यही वाली यॉट है। काम करते हैं बहुत सही, और काफ़ी सही चल रही है यार, जेट्स की भी स्पीड यार काफ़ी ज़्यादा होती है। बाकी वो बंदा भी गाइस यहीं पर ही है इसके अंदर ही भाई, देख रहे हो बंदे के पास यार प्राइवेट यॉट है। एक काम करता हूँ, मैं अपनी जेट्स की को ना इधर पीछे की साइड लगा देता हूँ, यहाँ पे एक और जेट्स की लगी हुई है। एक मिनट यार, मुझे लग रहा है मैं पानी के अंदर ही गिर जाऊँगा, और लो भाई पानी के अंदर ही चले गए। एक मिनट भाई को अंदर नहीं जाना है,
मेरे को यॉट के अंदर जाना है यार। यहाँ पे गाइस सीढ़ियाँ बहुत सी, और एक मिनट यहाँ मुझे कोई ओके सिक्योरिटी वाला, ये रहा मैं वही सोचू गाइस यहाँ कोई सिक्योरिटी वाला क्यों नहीं है। भाई एक काम करते गाइस, अंदर जाने से पहले ना भाई इसकी यॉट एक बार ही देख लेते हैं चारों तरफ से। भाई देख रहे हो क्या, बढ़िया एक काम करते गाइस ऊपर की साइड चलते हैं हम लोग पहले। एक मिनट यहाँ तो कोई डोर नहीं है ना, एक काम करता हूँ वहाँ पे गाइस अंदर जाने का कुछ है, एक काम करते हैं हम लोग ना सीधे इसके अंदर ही चलते हैं यॉट के, कि प्राइवेट यॉट है यार किसी की। एक मिनट, अबे मैं गलत साइड आ गया यार, ये तो मैं गाइस वो वाले एरिया में आ गया जहाँ पे कैप्टन होता है, देख रहे हो कैप्टन यहाँ पे खड़ा हुआ। मेरे को इस यहाँ पे नहीं जाना है। एक मिनट यार, सिक्योरिटी वाले खड़े थे ना इधर, एक मिनट यहाँ तो नहीं है, नीचे की साइड खड़े हुए थे भाई। यहाँ पे सिक्योरिटी वैसे काफ़ी कम लग रही है मुझे, एक काम करता हूँ इससे पूछता हूँ। ओके तो भाई देख मैं यहाँ पे ना वेपन खरीदने आया हूँ, तो तुम्हारा जो ओनर है मुझे उससे मिलना है यहाँ पे, उसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। ठीक है मैं पीछे की साइड चले जाऊँ, ठीक है भाई मैं पीछे की साइड जा रहा हूँ। तो मेरे को ना गाइस यहाँ से पहले अंदर जाने पड़ेगा और फिर ना गाइस पीछे की साइड अपने को चलना है। ओके भाई आप लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ देखो सिक्योरिटी वगैरह तो काफ़ी टाइट है यार। एक मिनट यहाँ पे जाना है क्या अपने को पीछे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ है। भाई क्या बढ़िया यार, देख रहे हो यॉट अंदर से, देख रहे हो बेडरूम भी यहाँ पे अलग बना हुआ है, ये तो बाथरूम है यार। एक काम करते गाइस, एक मिनट भाई कितनी बड़ी यॉट है इसकी, मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कहाँ जाना है अपने को। मेरे को ना एकदम एग्जैक्ट पीछे की साइड जाना था ना। एक मिनट भाई इसका रास्ता कहाँ से है, भाई देखो एक और यहाँ पे बेडरूम है भाई, अपने मैंशन से तो बड़ी ये वाली यॉट है यार, देख रहे हो। एक मिनट यहाँ से शायद अपने को जाना है, और यहाँ तुम लोग चेक करो वेपन की भाई क्रेटें लगी हुई हैं भाई, इतने सारे वेपन देख रहे हो यॉट में लेकर घूम रहा है वो बंदा। एक मिनट क्यों मैं पीछे की साइड, ये तो बाहर का एरिया, ओके मुझे लग रहा है वहाँ की साइड जाना था अपने को। तो भाई यार मैं अंदर गई इस बेफालतू में आ गया। एक काम करते हैं फटाफट से गए हम लोग ना वापस से बाहर की साइड चलते हैं। ओके गाइस यार तो मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ, और मेरे को ना गाइस डायरेक्टली वहीं से पीछे जाना था यार, मैं बेफालतू में गाइस इधर आ गया। काम करते हैं साइड से तो मैं क्या कह जाऊँगा, इधर से हम लोग शॉर्टकट ही मार लिया। बहुत सही, देख रहे हो कहाँ से आया हूँ मैं, बिल्कुल यॉट के ऊपर से। और देखो ये वो बंदा खड़ा है, एक मिनट भाई गाइस लास्ट टाइम जब ये आया था ना इसने मास्क वगैरह लगाया हुआ था। एक मिनट भाई मेरी तेर से ही कॉल पर बात हुई थी क्या, ठीक है ओके। तो गाइस यही वो बंदा है यार जिससे मेरी काफ़ी टाइम पहले बात भी हुई थी भाई, पिछली बार ही मास्क लगा कर रहे थे तो मुझे पहचान में नहीं आया। अब गाइस इसकी शक्ल देख लो तुम लोग, ऐसा ये दिखता है। बाकी ये रहे गाइस सारे के सारे, ओके हाँ हाँ मैं देख लेता हूँ देख लेता हूँ। ओके गाइस तो ये बंदा मुझे कह रहा है कि ये पीछे तुम लोग को जितने भी गाइस यहाँ पे चीज़ें दिख रही ना ये सारी की सारी इसके पास है, और इसने सिर्फ ना ये सैंपल के तौर पर जो है यहाँ पर शिप में लेकर आया है, तो मैं पसंद कर लूँ मेरे को क्या क्या चाहिए यार। यहाँ पे तो गाइस मुझे ना देखो नॉर्मल वेपन नजर आ रहा है। एक मिनट भाई ये देख रहे हो मिसाइलें वगैरह भी गाइस इसकी बेच रहा है, और ये बंदा ना गाइस आप लोग को मैं बताऊँ ना तो इलीगल तरीके से सारे का सारा सामान बेचता है, तो अपने को ना गाइस मिसाइलें वगैरह तो नहीं चाहिए। वैसे ये ना मिसाइलें गाइस इलीगल है बेचना, क्योंकि ये ना सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री वालों के पास ही आप लोग को देखने को मिलेगी। और देख रहे हो ये बंदा अपने साथ लेकर घूम रहा है शिप में, और यार यहाँ पे तो गाइस नॉर्मल गन सी मुझे नजर आ रही है। बाकी इन क्रेटों में क्या है, ठीक है ओके तो इन क्रोटो में ये कह रहा है कि AKM वगैरह है। तो यार मेरे को गाइस ये वाली तो गन नहीं चाहिए थी, यहाँ पे मिनी गन है। और एक मिनट भाई गाइस ये वाली जो गन है आप लोग को याद है कौन सी गन है ये, भाई ये गन मैं लेने वाला हूँ, ये गन में इसके बाद जितनी भी होंगी ना भाई मैं सारी की सारी लेने वाला हूँ। और यहाँ पे भी गाइस मुझे ना कुछ स्नाइपर वगैरह नजर आ रही है। एक मिनट भाई देख सुन, ये तो तुझे पीछे गन नजर आ रही है ना, ये बता पहले मुझे ये तेरे पास कितनी अवेलेबल होंगी टोटल, ठीक है ओके। तो तेरे पास ये वाली सिर्फ और सिर्फ 5 गन्स हैं टोटल, जिसमें से गाइस 4 तो उसने यहाँ पे रखी हुई है। भाई देख सुन मेरे को ना देखिए पांचों की पांचों में देख 4 गन यहाँ पे रखी हैं, और एक और जो शायद ठीक है ओके एक गन गाइस ये जो नीचे ब्रीफकेस रखा है ना इसके अंदर रखी हुई है। हाँ तो देख सुन मेरे को ना पांचों के पांचों गन ये वाली दे दे, और बाकी मैं देख रहा हूँ। गाइज ये वाली गन गाइज काफ़ी तगड़ी है, आप लोग को याद है ये ना पीटर के पास थी। और ये वाली गन अपने को अगर मिल जाती है ना भाई मज़ा आ गया यार, ये वाली गन अपने को मिल गई। बाकी गाइज अपने को ना देखो इसके पास ना जैसा वेपन मैंने बोला था, देखो हाईटेक वेपन से खतरनाक, वैसा तो इसके पास मुझे नहीं मिला है, पर हाईटेक वेपन की तरह ही ना भाई उससे थोड़ा सा मैं आप लोग को बोलूँ कि खतरनाक है ये वाला वेपन, तो ये अपने को मिल चुका है भाई, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो गई।
बाकी सुन भाई, देख तेरे पास ना, देख जैसा मेरे को वेपन चाहिए था ना भाई, तेरे पे देख है ही नहीं, ये सारे वेपन मेरे पे ऑलरेडी हैं। तो तू ना बस देख, वो जो पीछे गन है भाई, उसका मुझे रेट वगैरह बता दे, कितना तेरा रेट है, मैं तुझे पेमेंट कर रहा हूँ। और सारे के सारे वेपन ना एक काम कर, एक बोट में मुझे इंतजाम करवा दे फटाफट से, बाकी जो भी पेमेंट होगा बोट का वो मैं तुझे कर दूंगा, तो टेंशन मत ले। ओके गाइस, इधर तो इसने यार अपने बंदों को भेज दिया, और पीछे तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे चार जो गन रखी थी, ये गाइस यहाँ से जा चुके, तो वो ना पीछे बोट में शायद उसको लोड वगैरह करवा रहे होगा। बाकी मैंने गाइस ये जो ब्रीफ के जैसे तुम लोग को सामने नजर आ रहा है ना गाइस, इससे ना एक गन मैंने भाई खुद ले लिया अपने पास, ये देखो, देख रहे हो भाई क्या बढ़िया लग रही है यार गाइस, ये वाली गन अपने को मिल चुका। मैंने एक काम करता हूँ, इसको ना हम लोग टेस्टिंग कर लेते, तब तक यार वो बोट का इंतजाम कर रहा है। वैसे यहाँ पे गाइस कुछ उड़ाने के लिए तो नहीं है, तो काम करते हैं हम लोग पानी में गाइस इसको फायर करते हैं। एक मिनट है भाई, इन लोग को तो मैं मारने वाला हूँ नहीं, क्योंकि पंछियों को मारना नहीं चाहिए। काम करते हैं यहाँ पे हम लोग चलाते हैं भाई, चेक करो तुम लोगों ने यार, एक तो ना गाइस यहाँ पे कुछ उड़ाने के लिए नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग ना यहाँ पे, मैं तुम लोग को फायर करके दिखाता हूँ। एक मिनट, वहाँ पे कुछ जेट्स की वगैरह है ना यार, इसकी रेंज वहाँ तक होगी क्या? वो तेरी वगैरह इसकी रेंज देखा तुम लोगों ने, वहाँ तक है पूरी। एक मिनट, वो तो गाइस ब्लास्ट हो चुकी है, इसको उड़ाता हूँ मैं। वो देखो, देखा तुम लोग ने, इतनी दूर से मैं फायर कर रहा हूँ ना, तो स्नाइपर निकाल के मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। वो देखो गाइस ब्लास्ट हो चुकी है दो जेट्स की, और अपनी जी वैगन भी वहाँ पर खड़ी है। वो तो वैसे ब्लास्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि वो ना गाइस काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। बाकी काम करो तो भाई, अरेंजमेंट हो गया क्या उधर? ठीक है, ओके। तो गाइस ये कह रहे हैं वहाँ पे अरेंजमेंट हो चुका है, तो मैं गाइस इसको ना फटाफट से देखो पेमेंट वगैरह कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलते हैं फटाफट से। ओके गाइस, इधर तो यहाँ पे मैंने इसको सारा का सारा पेमेंट यार कर दिया, और ये जो गन है ना गाइस अपने को ना बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ी है। पर गाइस कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, क्योंकि ये बंदा ना गाइस इलीगल तरीके से बेच रहा है, और एक तरीके से ब्लैक में बेच रहा है, तो वैसे भी देखो ये गन ना अपने को डबल रेट पर ही पड़ी है। पर यार देखो अपने को ना ये वाली गन मिल गई यार, ये गाइस काफ़ी अच्छी बात है। एक मिनट, इसने बोट, ओके ये खड़ी देखो बोट, और वो देखो उसके पीछे गाइस एक क्रेट भी इसने रख दिया है। बाकी एक गन तो मेरे पास ही है, बाकी की चार गन ना इसके अंदर गाइस इन लोगों ने लगा दी। बाकी मैं काम करता हूँ, इसमें बैठ तो, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, मुझे नीचे नहीं गिरना भाई। इसमें हम लोग फटाफट से बैठते हैं, बहुत सही। और अब गाइस इसको हम लोग लेकर चलते हैं अपनी जी वैगन के पास, और इसको ना मैं गाइस कार के अंदर ही गाइस रख लूँगा, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो फटाफट से गाइस हम लोग चलते हैं, और अपनी जी वैगन तो यहीं पर खड़ी होनी चाहिए। बस यार कोई ना देखो लेकर, ओके लेकर तो वैसे जा नहीं सकता है, कि इसमें ना गाइस ट्रैकर वगैरह अच्छे से लगा। ये देखो, देख रहे हो तुम लोग ये जेट्स की, और ये दो तो भाई जेट्स की मैंने फालतू में ब्लास्ट कर दी यार भाई, सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए। बाकी ये तो काफ़ी दूर खड़ी थी। एक मिनट भाई, मैं रोड पे लेकर आ चुका हूँ, और यहाँ पे लोग देखो, यहाँ पे ना लोग अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आया था तो बैठे हुए थे काफ़ी सारे लोग, और उस मुझे कुछ और लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, पर इस साइड वाले गए सीधे भाग गए यहाँ पे, उन्हें लग रहा होगा पता नहीं भाई क्या हमला हो गया। एक मिनट यार भाई, अभी मैं कार में बैठने जा रहा था। एक काम करते गए, इस वाली जो क्रेट को ना हम लोग कार के अंदर रख लेते हैं। ओके गाइस, तो मैंने गाइस उस क्रेट को ना अपनी कार के अंदर भाई पीछे डिक्की में डाल लिया। बाकी इसकी हालत देखो यार, कार की क्या हालत हो चुकी है, तब अगर उसको पानी में तो लेकर जा नहीं सकता भाई, तो अपनी कार ही ख़राब हो जाएगी यार पानी में अगर उसको लेकर चली गया। कि वो बोट तो छोड़ो, इधर से उधर ही हम लोग रहने देते हैं। हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और इसकी ना गाइस टेस्टिंग ना मुझे गाइस अभी ना दोबारा से करनी है, और उसकी टेस्टिंग ना गाइस मैं ना एक काम करूँगा, पार्किंग में चलें क्या यार, इस पैराडाइज क्लब की तो नहीं, वहाँ पे ना किसी पार्किंग में चलते हैं, और किसी की ना गाइस गाड़ी उड़ाते हैं हम लोग चल के भाई। जिसकी भी कार होगी ना वो इंश्योरेंस कंपनी वाले संभाल लेंगे। एक मिनट, यहाँ आगे गाइस एक पार्किंग है ना भाई, पहले हम लोग ना गन की टेस्ट करेंगे यार गन को। एक मिनट, ये रही देखो पार्किंग, बहुत सही। यहाँ पे जिसकी भी कार है ना भाई, उसकी किस्मत ख़राब है आज, जिसने भी गाइस यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ लगाई है। एक काम करते हैं हम लोग गन को लेते हैं, इसको एक मिनट वैन को उड़ाते हैं पहले। ये न्यूज़ वालों की वैन है ना, हाँ इन्हीं की वैन उड़ाएंगे, क्योंकि ये तो देखो पक्का इंश्योरेंस में होगी। बहुत सही भाई, देखा तुम लोगों ने, एक तरीके से गाइस ये ना लॉन्चर की तरह इस्तेमाल होगा, पर लॉन्चर में ना देखो क्या होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लॉन्चर में देखो पूरी आरपीजी ना वहाँ तक जाती है, और इसमें क्या होगा, इसमें एकदम से गाइस पहुँच जाती है डायरेक्टली, बहुत फास्ट है ये, देखो देख रहे हो बहुत फास्ट है। पर इसमें ना गाइस ये रीलोड का थोड़ा सा दिक्कत है, ये देखो, तो इसको हम लोग लगातार नहीं चला सकते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, पर ठीक है यार काफ़ी पावरफुल वेपन है ये। काम करते हैं हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मैंने गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। और अपने गाइस मैं काम करता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर ने जो मुझे जो है मैंशन की लोकेशन दी थी ना, हम लोग गाइस वहीं पर चलें क्या पहले? एक काम करता हूँ, मैंने प्रॉपर्टी डीलर से एक बार ही पूछ लेता हूँ कि उस मैंशन पे कि कोई बंदा है, या फिर तुम अगर हो सकता है तो तुम आ जाओ भाई, फ्री हो अगर तो। काम करता हूँ, यहाँ हम लोग साइड में लगाते हैं, और उससे ना मैं फटाफट से कॉल पर बात कर लेता हूँ पहले। ओके गाइस, इधर तो अभी मेरी प्रॉपर्टी डीलर से यहाँ पे कॉल पे बातचीत हो चुकी है, और गाइस वो मुझे बता रही है ना कि
कि भाई उसको ना एक और घर के बारे में पता चला है जो कि यार अभी ना बिका हुआ है, और वो मुझसे पूछ रही थी मैं फिलहाल अभी कहाँ पर हूँ। तो मैंने उसको बोला भाई मैं ना बीच की साइड हूँ। तो वो मुझे बता रही है कि वो जो घर है ना वो गाइस बीच की साइड ही है। तो गाइस अपन लोग ना फटाफट से गाइस चलते हैं, और मैं ना गाइस जहाँ पे खड़ा हूँ ना इसी तरीके का ना एक और अपार्टमेंट या फिर पता नहीं घर जैसा है, तो मेरे को ना यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाना है। पर एक मिनट यार, एक तो ना मैं रॉन्ग साइड हूँ, काम करते हैं हम लोग पीछे की साइड चलते हैं। एक मिनट, ये वाला भी नहीं है, अपने को ना थोड़ा सा और पीछे जाना है। और हाँ यही वाला है, देखो जो नंबर तुम लोग को नज़र आ रहा है ना 3761 गाइस, यही वाला है। काम करूँ क्या इसके अंदर गराज में हम लोग लेकर चलें क्या, क्योंकि ये ना गाइस एकदम खाली है। बहुत सही भाई, यार बीच की साइड भी देख रहे हो घर। एक मिनट यार, ये तो गाइस गराज से मुझे लग रहा है कि बेकार सा घर है। एक तो ना गाइस बीच की साइड जो घर है ना ये गाइस काफ़ी छोटी लोकेशन में बने हुए हैं, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया ऐसा लग रहा है। एक मिनट भाई, ठीक रहे हो? एक मिनट यार, वैसे ये काफ़ी सही गेट है यार पीछे की तरफ। एक मिनट ऊपर तो नज़र डौड़ाओ, एक दो तीन फ्लोर का यार। एक काम करते हैं ना हम लोग एक बार ये देख ही लेते हैं यार घर को। डोर इसका कहाँ, यहीं कहीं पे था ना। एक मिनट यार, यहाँ पे गाइस पेड़ ना पता नहीं किसने भाई यहाँ पे लगा रखे हैं। एक मिनट, हाँ ये रह गया इसका डोर। ये वाला कौन सा एरिया है, ये तो बाथरूम है। यहाँ पे भी एक और डोर, अच्छा यहाँ से तो मैं खुद आया हूँ ना अंदर। एक काम करते गाइस ऊपर की साइड चलते, क्योंकि मेन मुझे लग रहा है इसका ना ऊपर से ही स्टार्ट होने वाला है, मेन घर है जो। ओके तो यहाँ से गाइस इसका घर एकदम स्टार्ट है, जिसका भी ये घर ये। ओके यहाँ से गाइस ऊपर जाने का है। एक मिनट, यहाँ पे मैं एकदम टॉप फ्लोर पे आया हूँ क्या? अबे हाँ एकदम टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ मैं। और ये तो मुझे लग रहा है बालकनी वाला एरिया है ना। हाँ हाँ देखो बालकनी। अबे एक मिनट, यहाँ से हम लोग जंप करके भाई उस साइड भी तो जा सकते हैं ना। और एक मिनट एक मिनट, तेरी तो भाई मैं ऊपर से गिर गया सीधा। काम करते हैं हम लोग फटाफट से घर के अंदर चलते हैं, और एकदम ना टॉप फ्लोर देखिए। वैसे मुझे कहीं ये वाला घर ना देखो पसंद तो आ नहीं रहा, बाकी आप लोग यार कमेंट करके बताना कि ये वाला घर है कैसा। वैसे मुझे इतना ज़्यादा खास तो लग नहीं रहा है, बाकी एक बार ना टॉप पे हम लोग चल के बस देख लेते हैं, क्योंकि टॉप फ्लोर मैंने इसका नहीं देखा। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग आए थे ना, हाँ इससे भी एक और शायद ऊपर का फ्लोर है, वो भी हम लोग चल के देख ही लेते हैं यार अब जब यहाँ पे आ ही चुके हैं। कि ये थोड़ा सा सही है। और एक मिनट भाई, हद दे भाई, वहाँ देखो एक डॉल पड़ी है। बाकी छत के ऊपर इन लोगों ने स्विमिंग पूल बना रखा है, तो यार ये तो देखो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया नहीं है यार घर। आप लोग कमेंट करके बता देना। बाकी फिलहाल हम लोग यहाँ से चलते हैं, और मैंने यहाँ से एक मिनट यार भाई, मैं जंप लगाने वाला था पर ऐसे नहीं। अरे हटो भाई यार, यहाँ से हम लोग चलते हैं। और वो जो गाइस दूसरी लोकेशन है ना, वो लोकेशन गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मैं आप लोग को बताऊँ ना वो लोकेशन कहाँ पर है, तो वो है गाइस अपना जो घर है ना गाइस उसके ना पास में ही है एक तरीके से, मतलब ज़्यादा पास नहीं पर जो एक्लिप्स टावर है उसके पास है वो। ठीक है तो हम लोग चल के देख लेते हैं। और वो वाला जो घर है वो मुझे बता रही कि वो ना एक तरीके से काफ़ी एक बिजनेसमैन का ना बहुत तगड़ा सा मैंशन था, तो अपने को ना वहीं पर चलना है। और एक मिनट यार, मैं ना रॉन्ग, एक यहीं से हम लोग चलते हैं। वैसे मेरे को उस साइड से जाना था, पर ठीक है यार अब यहाँ से हम लोग शॉर्टकट मार लेते हैं। तो एक काम करते हैं इस वाली लोकेशन पर चलते हैं, और चल के देखते हैं वाला मैंशन अगर अपने को पसंद आ जाता है तो हम लोग उसी को खरीद लेंगे। ओके गाइस यार, तो अपनी जी वैगन भगाते भगाते गाइस मैं उस वाली लोकेशन पर पहुंचने वाला हूँ। बाकी ऊपर देखो गाइस, एक्लिप्स टावर का जो ऊपर वाला जो अपार्टमेंट है ना जो प्रेसिडेंट का है गाइस, सबसे बढ़िया चीज़ तो गाइस वही है। एक मिनट एक मिनट, यार ऊपर देखने चक्कर मैंने इसको ठोक दिया। और देखो अपनी कार में एक स्क्रैच नहीं लगता, और सामने वाले की कार देखो भाई पीछे ठुक जाती है। बाकी मेरे को ना गाइस यहीं कहीं पास में ही जाना है। जो प्रेसिडेंट का एक पुराना वाला घर है ना गाइस, उसके ना ठीक सामने की साइड एक घर होगा, तो मुझे ना वहीं पर जाना है। एक मिनट, यहीं से उसका रास्ता है ना जाने का। एक मिनट यार, ये वाला नहीं है। हाँ हाँ देखो ये वाला घर है, ये दिख रहा है तुम लोग को ठीक सामने, ये वाला घर है। देखो यहाँ पे फॉर सेल का बोर्ड भी लगा हुआ है, और जो बंदा देखो बिजनेसमैन है रॉबिन्सन भाई, वो बंदा ये बेच रहा है। ठीक है काम करता हूँ ना, मैं कार को अंदर ही लेकर चलते हैं ना भाई, बाहर में क्यों लगाना है। यहाँ पे किसी घर का कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, जो कि ये कंस्ट्रक्शन ना काफ़ी टाइम से गाइस बंद ही था। एक मिनट, ये गैराज है ना इसका, गैराज भी काफ़ी सारे यार गाइस। गैराज तो इसका भी छोटा है, पर ठीक है यार अपना गाइस प्राइवेट गैराज है तो वहीं पे अपन लोग गाड़ियाँ लगाएंगे। यहाँ पे देखो दो तीन गाड़ियाँ तो आराम से आ जाएंगी, एक कार तो अंदर आ जाएगी, वहाँ पे जिम बना हुआ है। वैसे दो कार आ जाएंगी इस साइड में, पर ये वाला एरिया भी तो गाइस खाली है ना, यहाँ पे हम लोग गाड़ियाँ वगैरह लगा देंगे। तो अंदर जाने से पहले ना मैं बाहर का एरिया देख लेता हूँ एक बार ही। ठीक है वैसे काफ़ी बड़ा है गाइस दिखने में तो। एक मिनट गाइस, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यार, यहाँ पे कुछ लोग भी लेटे हुए हैं।
चलो इनको हम लोग छोड़ देते हैं। ये तो पूल एरिया है जो कि काफ़ी सही है यार। एक काम करते हैं, जो मेन एंट्रेंस है ना इसका, हम लोग वहीं से घुसेंगे। ओके एक मिनट, ओके ये वाला है देखो मेन एंट्रेंस, बहुत सही। यहाँ से हम लोग घुसते हैं। और भाई घुसते क्या बढ़िया लग रहा है यार, पोस्टर वगैरह भी इसका बढ़िया है। ये तो डाइनिंग एरिया है, तो मेरे को ना ये वाले रूम में हम लोग चलते हैं पहले। बहुत सही गई जी, काफ़ी बढ़िया रूम है। ये कौन सा है? ओके यहाँ से तो हम लोग बाहर जा सकते हैं। एक मिनट आराम से साइड चलो। और ऊपर की साइड हम लोग जाने से पहले ना बाहर वाला एरिया देख लेते हैं। अरे यार ये तो बाथरूम है, मुझे यहाँ तो नहीं आना है। यहाँ पे भी एक रूम है ना इस साइड में। ओ तेरी, यहाँ पे भी गई एक जगह है यार। ये कौन सा रूम है? अबे यार मैं हर जगह बाथरूम में क्यों पहुँच जाता हूँ? एक मिनट, ओके ये गई दूसरा रूम है। यहाँ से हम लोग इधर आएंगे तो ओके ठीक है। पहले ना हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं, फिर जो वो वाला रूम था ना उसमें से हम लोग ऊपर जाएंगे। एक मिनट भाई, सीढ़ियाँ कुछ ज़्यादा ही वो नहीं है कि एक बंदा ही जा सकता है एक बार में? ठीक है ओके। ये गाइस बेडरूम है यार, काफ़ी सही है वैसे मेंशन ही वाला। लोकेशन ना इसकी गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये तो बालकनी वाला एरिया है ना, देख रहे हो लोकेशन? वो रहा एक्लिप्स टावर, वो रहा प्रेसिडेंट का जो घर है, और ये उसके ठीक सामने है। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार। एक काम करते हैं यहाँ से जंप लगा देते हैं, बहुत सही। अब चलते हैं दूसरे वाले एरिया में यहाँ पे, और यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं इससे ऊपर हम लोग चलते हैं। पोस्टर किसका है भाई? ये पता नहीं भाई किसका पोस्टर है। ऊपर की साइड चलो, बहुत सही। ये कौन सा रूम है? ओके तो ये गाइस हैकिंग रूम है, हम इसको बना सकते हैं। वैसे मैं तो हैकिंग वगैरह करता नहीं, पर पोस्टर देखो भाई सामने क्या बढ़िया है यार। तो इसको हम लोग गाइस काफ़ी तगड़ा रूम है, इसको हम लोग अपने ऑफिस वर्क के लिए लगा सकते हैं। वैसे मैं कोई काम तो करता नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है। यहाँ से भी जंप ही लगा दो, तो इतना ही है क्या इसमें? ओके मुझे लग रहा है गाइस इतना ही है। बाहर की साइड चलते हैं, और तो कोई रूम रह नहीं गया ना। एक मिनट, पता नहीं क्या तोड़ दिया मैंने। ओके और तो गाइस कोई रूम मुझे लगता नहीं कि बचा होगा। हाँ देखो और कोई रूम नहीं बचा है। तो ये वाला मेंशन गाइस काफ़ी ज़्यादा सही है यार। बाकी आप लोग कॉमेंट करके तो बता ही दोगे कि इसकी लोकेशन है एकदम बहुत ज़्यादा बढ़िया है। देख रहे हो रिचमैन मेंशन भी ऐसे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे आप लोग इस कमेंट में मेरे को बोलते हो कि रिचमैन मेंशन खरीद लो, तो देख लो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वो मेंशन ना ऑलरेडी भाई किसी बड़े बिजनेसमैन ने यार खरीद रखा है। ठीक है तो वो हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। ओके गाइस इधर तो भी मैं यहाँ पे खड़ा ही था, और मेरे पास गाइस ट्रेवर करना अचानक से यार देखो कॉल आया, और उसने ना मुझे एक लोकेशन पर बोला है। वो मुझसे कह रहा है कि उसको ना पीटर के कुछ बंदों के बारे में पता चला है, तो मैं फटाफट से ना वहीं पर आ जाऊँ। यार ट्रेवर बिना गाइस शांत बैठता ही नहीं है यार, जब देखो तब वो पता नहीं पीछे पड़े ही रहता है पीटर के बंदों के। और गाइस ये वैसे काफ़ी सही चीज़ है, वो पीटर के बंदों के पीछे पड़ा ही रहता है, क्योंकि इससे ना गाइस ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है पीटर की सिक्योरिटी वालों को ना। हम लोग भाई लॉस सेंटोस में ना कुछ भी कांड करने से पहले भाई उनको हम लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ से हम लोग शॉर्टकट ही मार लेते हैं ना। बहुत सही भाई, ये प्रेजेंट का पुराना घर है। बाकी काम कर तो कहते हैं फटाफट से ना उस वाली लोकेशन पर चलता हूँ। और गाइस वो जो लोकेशन है ना वो फिलहाल ना देखो सिटी की तरफ ही। एक मिनट यार मेरे को ना एक मिनट काम करेंगे ना, आगे से हम लोग घूम के जाएंगे। बाकी ये गाइस पुराना वाला, वैसे पुराना तो नहीं, अभी मैंने वाला घर खरीदा नहीं है यार। आप लोग से मैंने इसीलिए गाइस पूछ लिया, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो काम करते हैं हम लोग फिलहाल ना उसी लोकेशन पे चलते हैं, और चल के देखते हैं भाई ट्रेवर ने इस बारी किस बंदे को पकड़ा है। ओके गाइस इधर तो जी वैगन भगाते भगाते मैं गाइस उस वाली लोकेशन पर पहुंचने वाले हूं। और एक मिनट, मुझे गाइस यहां पे गोलियों की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, और देखो आसपास वाले लोग भाई भाग भी रहे हैं डर के। अबे यार मुझे लग रहा है गाइस ट्रेवर ही, और वो देखो मुझे ट्रेवर की डिफेंडर नजर आ रही है, और वो देखो गाइस ट्रेवर यहाँ पे खड़े हो गए, हाईटेक वेपन का यूज़ कर रहा है। मैं काम करता हूँ फटाफट से, मैं भी अंदर की साइड चलता हूँ। वो देखो, अबे भाई ट्रेवर थोड़ा सा तो इंतज़ार कर लेता। हद भाई इसने इंतज़ार नहीं किया, और अब गाइस ओ तेरी भाई इसकी तो, उठो मत भाई, मैं गाइस इसी गन से इन लोग को मारने वाला हूँ। आ जाओ बेटा आ जाओ, निकलो। एक मिनट इनको ना कोने में आने दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो यहाँ से भाई कितने सारे लोग अंदर से निकल के आ रहे हैं, निकलो। आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आते रहो। बहुत सही इसकी तो, निकलो यहाँ से तुम्हारी। भाई इस गन का ना गाइस डैमेज बहुत तगड़ा है, देख रहे हो? अरे एक मिनट, तेरी तो मुंह पे आएगा मेरे। चल यहाँ से एक काम करते, इसको छोड़ो, अब हम लोग चलाएंगे RPG। चलो भाई आ जाओ बेटा, एक साथ ये लोग झुंड में खड़े हुए हैं ना। लो यहाँ से, ये कैसे मार रहा है भाई, अकेला खड़ा हो गया। निकल चल यहाँ से, निकल कवर लेगा। चलो यहाँ से भाई, पीछे इनकी गाड़ियाँ खड़ी है ना, गाड़ियाँ ब्लास्ट करो इनकी पहले।
बहुत से इस वाली गन से गाइस मैं गाड़ियां ब्लास्ट करता हूँ यार। ये गन है इसको ना चार्ज होने में थोड़ा सा यार देखो टाइम लग जाता है, इसका ना यही एक ड्रॉबैक है। कितने बचे? दो बार मैं इसको और चला सकता हूँ। ट्रक को उड़ाओ, एक मिनट ट्रक बच गया भाई इसका। ये ठीक बंदा ना, एक गाइस मेरे पे और मौका है, उड़ा दे भाई मैंने ट्रक। अब गाइस मैं चला ही नहीं सकता यार, देख रहे हो। अब मेरे को वेट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, हम लोग अपनी जो है दूसरी वाली गन का यूज़ करते हैं इसका। बहुत सी, एक मिनट। अबे निपट गए क्या सारे लोग? और इन लोग ने देख रहे हो यहाँ पे एक मैकेनिक की शॉप है, क्या है ये पता नहीं, रिपेयर शॉप है। देखो यहाँ पे लोग ने कब्जा जमा रखा था। एक मिनट, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर गाइस कोई नहीं है। बाकी यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह या पता नहीं क्या फायर ब्रिगेड वाले आए हैं क्या, कौन आए हैं? और ट्रेवर कहाँ गया? एक मिनट, ये खड़ा ट्रेवर। अबे ट्रेवर भाई थोड़ा सा तो वेट कर लेता यार, यहाँ पे हम लोग को पहले पता तो लगा नहीं देता कि चल क्या रहा है। ठीक है, तू यहाँ पे एक घंटे से था। अबे तो भाई तूने मुझे एक घंटे पहले कॉल क्यों नहीं किया जब तू यहाँ पे आ रहा था? ठीक है, तू यहाँ पे किसी बंदे का पीछा करते हुए आया था। अबे यार ड्राइवर भाई थोड़ा सा वेट कर लेता ना तो अपना काम बन जाता। बाकी एक काम कर, फिलहाल यहाँ से निकल तू, मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। यार ड्राइवर ना गाइस बिल्कुल वेट ही नहीं करता यार। वैसे इसने पिछली बार तो वेट कर लिया था मेरा, पर इस बार इसने वेट ही नहीं किया है। बाकी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आगे से हम लोग चलते हैं भाई, इनके ऊपर से कुचलते हुए जाने वाला हूँ। तो यहाँ से यार इन लोगों ने गाइस यहाँ पे रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है। और हाँ एक चीज़ और, मैं जब यहाँ पे फायरिंग कर रहा था तो इन लोगों ने गाइस गाड़ियाँ यहाँ पर लगा रखी थी, वो देखो फायर ब्रिगेड वाले अब आ रहे हैं। बुझाओ भाई बुझाओ, आके गाड़ियाँ बुझाओ, मतलब जो आग लगी है वो बुझाओ। मैं तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलता हूँ। ट्रेवर भाई वेट ही नहीं करता, पता नहीं फालतू में मुझे बुला लिया उसने, खुद ही इन लोग को मार लेता। बाकी काम करते हैं ना हम लोग, देखो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। और आप लोग गाइस कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि मुझे ना उन, वैसे उन दोनों में से नहीं, जो दूसरा वाला मेंशन था यार, जिसको मैं प्रॉपर मेंशन बोलूंगा, जो कि यार एक्लिप्स टावर के पास है, तो वो वाला मेंशन मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए यार? क्योंकि देखो लॉस सेंटोस में ना यार अभी फिलहाल ना कोई और मेंशन बिक ही नहीं रहा यार उसके अलावा। ठीक है, बाकी आप लोगों ने देखा ही है, उसके अलावा जो मेंशन बिक रहे हैं वो भाई कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो कमेंट करके मेरे को बता देना, तो मैं उस मेंशन को ना फाइनली यार खरीद ही लूंगा। ठीक है, बाकी गाइस इस वाले एपिसोड को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये वाला एपिसोड यार पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलता हूं गाइस मैं आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।